ये हो गया एक बहुत ही पॉपुलर मिनी वायरलेस कैमरा। ये एक बैटरी वाला वाईफाई कैमरा है जिसको एज ए सीसीटीवी कैमरा या फिर स्पाई कैमरा भी यूज किया जा सकता है, और इंटरनेट वाईफाई से कनेक्ट करके इसके लाइव फीड को आप मोबाइल ऐप से दुनिया के कहीं से भी देख सकते हैं। ऐसा इस कैमरा को सेल करने वाले कंपनीज बोलते हैं, और इसका जो कीमत है वो है सिर्फ 699 रुपीज। लेकिन क्या ये कैमरा वर्थ है, क्या ये वाकई में काम करता है, जानेंगे इस ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो में। तो ये जो मिनी वायरलेस कैमरा है ये अमेजन में बहुत ही ट्रेंड में है। अमेजन में अगर आप कैमरा सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, पर इसका ब्रांड अलग अलग मिलेगा, सेलर्स अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनीज इसको सेल कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होता है किसको खरीदे। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट करने के लिए एक जाना माना ब्रांड सोनाटा का कैमरा को खरीदा, क्योंकि मुझे लगा था ये एक अच्छा ब्रांड है और अमेजन पे उनके इस कैमरा के ऊपर अच्छे अच्छे रिव्यूज भी है। और साथ ही सोनाटा ने बोला है ये जो कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का है, तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। तो देखेंगे ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा है कि नहीं, ये अच्छा कैमरा है कि नहीं। वैसे मैंने कुछ साल पहले सेम टू सेम कैमरा खरीदा था रिव्यू करने के लिए, लेकिन मुझे ये एकदम पसंद नहीं आया। इसका जो वीडियो क्वालिटी है एकदम बेकार का है, और कनेक्शन में भी प्रॉब्लम था, इसका बैटरी बैकअप भी एकदम खराब है, 10 मिनट 15 मिनट जैसा चलता है। तो मतलब मुझे ये वाला कैमरा एकदम बेकार लगा, लेकिन सेम टू सेम कैमरा अमेजन पे इतना ट्रेंडिंग चल रहा है और जो सोनाटा ब्रांड है वो इसको 5 मेगापिक्सल बोल के सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने खरीदा है सोनाटा का मिनी वायरलेस वाईफाई सीसीटीवी कैमरा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा और आखिर में आपको पता चल जाएगा ये कैमरा वर्थ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग। तो इसका बॉक्स पैकेजिंग मुझे अच्छा ही लगा, देखिए सोनाटा गोल्ड सीरीज बोल के इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि 2-way ऑडियो पॉसिबल है, इसमें माइक और स्पीकर है, नाइट विजन भी है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर ही मिला है कैमरा, यहां पे ब्रांडिंग किया हुआ है सोनाटा, तो इसको देखेंगे। उसके बाद इसका माउंटिंग बेस दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक है, कैमरा यहाँ पे चिपक जाता है देखिए ऐसे। और ये वाला 3M स्टिकी पैड है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वॉल पे, सीलिंग पे, उसके बाद कैमरा ऐसे चिपक जाएगा। और इसमें बैटरी है इसीलिए ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया। उसके बाद इसका चार्जिंग केबल मिला है जो है माइक्रो USB वाला, तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला हो गया, इसका यूज़र मैनुअल होगा शायद, जी हाँ ये यूजर मैनुअल है। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, सोनाटा ने बहुत अच्छे से बताया है कैमरा को कैसे यूज़ किया जाता है, इंग्लिश पे भी बताया है और हिंदी पे भी बताया है और दूसरे लैंग्वेज पे भी है। तो उसके बाद एक्चुअल यूजर मैनुअल मिला है, तो यहाँ पे भी सब कुछ दिया हुआ है ऐप के बारे में, कैसे यूज़ करना है सब कुछ दिया हुआ है, तो वो भी हो गया। और उसके बाद मिला है कुछ कार्ड्स मिले हैं, तो ये वाला हो गया 200 रुपीज़ का कैशबैक कार्ड, तो ऐसा मुझे मिला है 2 मिला है। तो यहाँ पे बोला है अगर आप इस कैमरा के बारे में अमेजन पे 5-स्टार रेटिंग देंगे और अच्छा रिव्यू लिखेंगे तो आपको 200 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। तो सोनाटा कंपनी का भंडा यहीं पे फूट गया। तो अभी आपको भी पता चल गया होगा कि अमेज़न पे उनके इस कैमरा के ऊपर अच्छे रिव्यूज क्यों हैं। उसके बाद और एक कार्ड है, यहाँ पे लिखा है प्लीज चार्ज 1 आवर बिफोर यूज। तो इस कैमरा को खरीदने के बाद पहले आपको 1 आवर चार्ज करना है, तभी इसका बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। तो पहले मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ 1 आवर के बाद। 2000 years later. तो 1 आवर हो चुका है और ये कैमरा फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए अभी इस कैमरा को पास से देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, बीच में यहाँ पे लेंस है और लेंस के चारों तरफ IR लाइट्स है, मतलब ये रात में भी कंप्लीट डार्कनेस पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऐसा कंपनी का दावा है। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है और ये वाला मोड का एक स्विच है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड डालना पड़ेगा जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा जब इसको ऑन करेंगे, तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये वाला हो गया इसका चार्जिंग इनपुट। उसके बाद कंपनी का कहना है इसके अंदर स्पीकर और माइक भी है, वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, और इसको आप जिस जगह पे लगाएंगे उस जगह के वीडियो और ऑडियो को आप स्मार्टफोन पे देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसके अंदर मुझे बैटरी और सर्किट वगैरह देखने को मिल रहा है, पर माइक और स्पीकर कहाँ है? तो इसके अंदर कोई भी स्पीकर और माइक है ही नहीं। तो एक बार फिर से पोल खुल चुका है। जो भी हो, अगर ये कैमरा अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर ले तब भी काम आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो मेरा पुराना वाला कैमरा था ये 5 मेगापिक्सल का नहीं है, ये शायद 1 मेगापिक्सल या फिर उससे भी कम का है, लेकिन दोनों देखने में सेम है, देखिए दोनों सेम है। तो कैसे ये 5 मेगापिक्सल का हो सकता है, वही जानने के लिए मैंने इसको खरीदा है। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये वाला बटन है, तो इसको दबाना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। तो देखिए ऑन हो चुका है, यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अभी इसको आपको कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन के साथ। तो मैंने लिया है मेरा स्मार्टफोन और ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड यहाँ पे दिया हुआ था, तो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये वाला हो गया वो ऐप HD WiFi Cam Pro। तो अभी इसको ओपन करेंगे, तो ये वाला हो गया ऐप का इंटरफेस।
ऐप के बीच में यहाँ पे लिखा है एड न्यू कैमरा, प्लस का एक आइकन है, वहाँ पे टैप करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यूजर मैनुअल पे क्या दिया है। तो यूजर मैनुअल पे पहले बोला है कैमरा के ऐप को डाउनलोड करना है, जो मैंने कर लिया है। कैमरा को ऑन करना है, वो भी मैंने कर लिया है। उसके बाद बोला है मोबाइल के वाईफाई सेटिंग्स पे जाने के लिए बोला है, और मोबाइल के वाईफाई सेटिंग्स पे आपको मिलेगा DZX090 समथिंग वाईफाई मिलेगा आपको, ऐसा बोला है। और उस वाईफाई को कनेक्ट करना है। तो इसके ऐप में भी वही बोला है द फोन कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द डिवाइस, तो वहां पे टाइप कर रहा हूँ। तो बोला है वाईफाई पे जाने के लिए बोला है। तो ये जो वाईफाई है मेरे घर का ब्रॉडबैंड वाईफाई है, ये नहीं है, इस कैमरा का जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस कैमरा से भी वाईफाई एमिट होता है, जो यहाँ पे नीचे शो करेगा। तो नीचे यहाँ पे शो करना चाहिए इस कैमरा का वाईफाई, और जो वाईफाई है वो होगा DZX090756 समथिंग होगा। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वाईफाई को मैं एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो अभी भी शो नहीं कर रहा है, और जो कैमरा है ऑन है, देखिए कैमरा ऑन है। तो कैमरा को एक बार मैं ऑफ करता हूँ, उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे। ऑफ किया, अभी ऑन कर रहा हूँ, फिर से ऑन किया, अभी इसका लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अभी वाईफाई यहाँ पे शो करना चाहिए, कैमरा का वाईफाई। तो कैमरा का वाईफाई यहाँ पे शो करेगा, उसको कनेक्ट करेंगे, तभी इसके ऐप में आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए शो नहीं कर रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन इसका वाईफाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और ये आज का बात नहीं है, मैंने जब से इसको खरीदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस कैमरा को खरीदा था 31 अक्टूबर को। तो पिछले कुछ दिनों से मैं इस कैमरा को यूज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका जो वाईफाई है मेरा मोबाइल पे शो ही नहीं करता है। तो कैसे इस कैमरा को मैं ऐप में ऐड करूँगा? उसके बाद इसका जो माइक्रो एसडी कार्ड है, इसमें भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। जब इसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली माइक्रो एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन इसका जो माइक्रो एसडी कार्ड है इसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैंने देखा था। तो ये जो कैमरा है एकदम बेकार कैमरा है, ये सेम टू सेम इस टाइप का कैमरा है, और दोनों ही चाइनीज कैमरा है। तो ये जो कंपनीज है या फिर सेलर्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाइना से इन कैमरास को खरीदते हैं और अपना स्टिकर लगा के सेल करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, इसके अंदर का चीज सेम है। ना ही ये 5 मेगापिक्सल का है, ना ही 3 मेगापिक्सल का है, ये सेम इस टाइप का है, 1 मेगापिक्सल भी नहीं है। तो इसका वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन आप इसका वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी है, मतलब दोनों कैमरा से ही आपको इस टाइप का ही वीडियो क्वालिटी मिलेगा, जो बहुत ही बेकार क्वालिटी का वीडियो है, और लैग भी होता है, और कनेक्शन में भी बहुत ही प्रॉब्लम है, ये तो कैमरा कनेक्ट हुआ ही नहीं। उसके बाद बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम है। सिर्फ ये देखने में एक बहुत ही मॉडर्न कैमरा है, लोग सोचते हैं ये एक पोर्टेबल मिनी वायरलेस वाईफाई सीसीटीवी कैमरा है, इसको खरीदेंगे और यूज करेंगे, लेकिन ये काम का नहीं है, एकदम बेकार का कैमरा है। तो मुझे लगा था ये जो ब्रांड है सोनाटा, ये अच्छे कैमराज सेल करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिला, ये अच्छा कैमराज नहीं है। तो मेरा जो भरोसा था सोनाटा के ऊपर वो टूट गया है। इतना बड़ा कंपनी होके भी खुद कैमरा मैन्युफैक्चर नहीं किया, और चाइना का सस्ता माल अपने नाम पे सेल करने का कोशिश कर रहे हैं, और अब सेल नहीं हो रहा है, कैसे होगा, बेकार चीज कैसे सेल होगा? और इसीलिए सेल करने के लिए पेड रिव्यूज लिखवा रहे हैं। ये देखिए प्रूफ, कैमरा के साथ उन्होंने कैशबैक कार्ड दिया है। तो यहाँ पे बोला है अगर आप अमेज़न पे 5-स्टार रेटिंग देंगे, अच्छे रिव्यूज लिखेंगे, तो आपको 200 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो इसीलिए अमेज़न पे आपको इन कैमरास के बारे में अच्छा रिव्यूज देखने को मिलता है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू कोई नहीं देता है, जो मैंने दे दिया है। तो ये हो गया मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, ये जो कैमरा है ये अच्छा कैमरा नहीं है। तो सोनाटा का और भी कैमराज है, वाईफाई कैमराज है, मैं सोच रहा था उनको खरीद के रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही खराब मिला। तो ये कैमरा मैं आपको खरीदने का रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इन मिनी वाईफाई वायरलेस सीसीटीवी कैमरा के ऊपर। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काम आएगा। अगर आप इन कैमरास को खरीदने का सोच रहे थे, तो अभी आप डिसीजन ले सकते हैं इन कैमरास को आपको लेना है कि नहीं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो काम का लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के काम के ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।